साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों अभी मैं विवेकानंद सर्किल के पास खड़ा हूं। यहां से मैं कुछ आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं। साथियों मैं पिछले करीब 8 से 10 दिन से मैं सोच रहा था कि मुझे लाइव करना है। तो आज मैं लाइव करके आपको आपसे कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूं। साथियों मैं तो सबसे पहले तो एक बार सब जुट जाइए, उसके बाद आप बताना कि ये गलत है या सही है, ये नगर परिषद की मेहरबानी सही है या गलत है। आप सबसे पहले तो एक बार जुट जाइए सभी मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे गुरुदेव, सभी जुड़ जाओ एक बार। उसके बाद मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूँ। साथियों ये गलत कर रही है नगर पालिका या सही की, नगर परिषद ने ये गलत किया है सही किया है। अब दिन में कितने लोगों का यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, होते भी है और हो भी सकता है यहाँ पर। अभी साथियों आप देख लो, ये सामने विवेकानंद सर्किल है, आप देख लो, कमेंट में बताना कि सही है या गलत है। ये विवेकानंद सर्किल है और ये कलेक्ट्रेट बंगले से आने वाली, मतलब पुलिस लाइन से आने वाली सड़क है। साथियों ये स्थान है ना, ये स्थान पहले यहाँ पर डिवाइडर था, मतलब लोगों के खड़े होने का डिवाइडर था। यहाँ पर लोग दाने डालते थे, पक्षी चुगा चुगते थे। उसके बाद नगर परिषद द्वारा ये बना दिया पक्षियों के लिए। बनाने के बाद इसके अब चारों तरफ जाली कर दी है। अब इधर से आने वाले लोगों को बिल्कुल, यहाँ से बड़ी गाड़ी आने वाली बिल्कुल नहीं दिखती है। दिन में करीबन 5 से 7 ऐसे एक्सीडेंट, ये देख लो। अब लोगों को दिखता नहीं है इधर से आने वालों को। यहाँ पर नगर परिषद द्वारा वो लगाने चाहिए, जो जंपिंग होते हैं वो लगाने चाहिए। दिन में करीबन 5 से 7 ऐसे होते हैं करीब एक्सीडेंट, मोटरसाइकिलों के, टेम्पू के, या तेज रफ्तार से आते हैं इधर से कोई बड़ा वाहन आता है तो सीधे अंदर घुस जाते हैं। नगर परिषद द्वारा यहाँ पर बड़ी जाली लगा दी है। अब जाली के कारण इधर से आने वाले लोगों को बिल्कुल दिखना बंद हो गया है इधर से आने वाली गाड़ी से। ये देख लो, यहाँ रोकनी पड़ती है गाड़ी, बाइक हो बड़ी गाड़ी हो, यहाँ पर ब्रेक करने पड़ते हैं। ये देखो, ये नगर परिषद की सबसे बड़ी लापरवाही है। दिन में 4-5 ऐसे एक्सीडेंट होते हैं साथियों। एक बार कमेंट करके बताओ नगर परिषद ने सही किया है गलत किया। साथियों करीब 100 मित्र जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करके बताओ साथियों, और इस वीडियो को शेयर करो, इस नगर परिषद के अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि अधिकारियों की आंखें खुले। इनकी आंखें क्या बंद है, अधिकारियों की आंखें खुले तो यहाँ पर जंप वाला वो लगा दे यहाँ पर, और उधर भी लगा दे। ये देख लो कितनी बड़ी मेहरबानी है नगर परिषद की बाड़मेर शहर पर।
झाला साहब, ये हमारे लूण सिंह जी झाला है जो अपने साथ है। लूण सिंह जी यहाँ पर देखो, ये जाली कर दी है, जाली करने के बाद इधर से आने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं दिखता है, तो ये नगर परिषद ने सही किया है या गलत किया है? इधर से आते हैं लोग, उनको इधर से आने वाले बिल्कुल नहीं दिखते है लोग, तो इन्होंने सही किया है गलत किया है? मान लो वैसे तो ये बनाई बहुत अच्छा दिया है पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए ये मान लो आते हैं नहीं लोग, हाँ थोड़ी हाइट में कम होती नहीं, हाँ तो अच्छा रहता, लेकिन एक्सीडेंट होने का भय रहता है। यहाँ दिन में 5 से 7 एक्सीडेंट हमेशा होते है, देख लो 1-1 इंच लोग चूकती है, मतलब यहाँ ब्रेक करने पड़ते हैं यहाँ लोगों को। ये थोड़ा सा इस जाली की हाइट कम कर देते, यहाँ पर जंपिंग बना दे तो या इसकी हाइट देख लो सब, आप इधर से आप देखो, आप खुद देखो, इधर से आने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं दिखता है, बिल्कुल इधर से आते हैं लोग तो इधर से नहीं दिखता है इनको बिल्कुल। ये तेज रफ्तार से आते हैं तो इधर से वाले तेज रफ्तार से आते हैं। वो तो क्या है, इनके मान लो टेंडर होते हैं तो किले के हिसाब से उनको कमीशन मिलता है, इसलिए हाइट थोड़ी बड़ा थी क्रेन की। ये किले के हिसाब से इनको टेंडर मिला है। हाँ तो ये देख लो, एक्सीडेंट होते होते पता। तो ये हमारे मित्र लूण सिंह जी झाला है, इन्होंने कहा है इसकी थोड़ी हाइट कम होनी चाहिए जाली की, तो क्या कि एक्सीडेंट होने की कम संभावना है। तो एक बार शेयर कर दो साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत। एक बार शेयर कर दो साथियों इस पोस्ट को, ये पोस्ट अधिकारियों तक पहुंचा दो साथियों, धन्यवाद। एक बार फटाफट शेयर करो, ये देख लो, ये देखो।